आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ एक स्वीट डिश, वो एक गाजर का हलवा। गाजर की सीजन चल रही है तो मैंने सोचा गाजर का हलवा बनाते हैं। ठंड भी है तो गर्मा गर्म हलवा खाने का मजा ही कुछ और है, तो आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनेगा, टेस्ट के साथ हेल्थी भी रहेगा। तो चलो बनाना शुरू करते हैं गाजर का हलवा। गाजर के हलवे के लिए मैंने इन्ग्रीडियंट्स लिए हैं, 1 किलो गाजर लिए जिसे अच्छी तरह से धोकर छीलकर ग्रेट कर लिए, 1 लीटर दूध, मलाई वाला दूध लिया है मैंने, अच्छे से गर्म कर मलाई आ गई, वो मलाई के साथ ही हम दूध को लेंगे, 1/2 स्पून इलायची पाउडर, 1/2 कप शुगर, 1/4 कप घी, मिक्स ड्राई फ्रूट्स काजू और बादाम जिसे मैंने चॉप कर लिया है, ये ऑप्शनल है, आपको अगर पसंद है तो आप भी लीजिएगा, और 4 टेबल स्पून मिल्क पाउडर, ये भी ऑप्शनल है, अगर आप मावा यूज़ कर रहे हैं तो मावा भी डाल सकते हैं इस हलवे में, या फिर मिल्क पाउडर भी यूज़ करते हैं, इससे भी हलवे में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो चलो बनाना शुरू करते हैं गाजर का हलवा। एक कढ़ाई ली है मैंने, कढ़ाई में मैं घी डाल देती हूँ, घी को गर्म होने देते हैं, घी गर्म हो गया है, इसमें कैरेट डाल देते हैं, अच्छे से घी ले लेते हैं साफ करके, गाजर को अच्छी तरह से हम सेकते हैं, गाजर का हल्का कलर चेंज हो जाएगा, हल्की सॉफ्ट हो जाएगी जब तक हमें सेकना है, लगभग 20 से 25 मिनट लगेगी इसे पकने में, 20-25 मिनट तक हम इसे हिलाते हुए अच्छे से सेकेंगे। गाजर की सीजन चल रही है तो आप ज़रूर गाजर का हलवा, गाजर मिल्क शेक, गाजर का अचार, ये सब सीजन में बनाते ही हैं, तो आप मेरा वीडियो देखकर हलवा भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कॉन्स्टेंट हिलाते हुए सेकेंगे, लगभग 10 से 15 मिनट से मैं सेक रही हूँ, गाजर का कलर हल्का चेंज हो गया है, 10 मिनट और सेकते हैं इसे, गाजर का अच्छा कलर हो गया है, अच्छी सॉफ्ट भी हो गई है गाजर, अब मैं इसमें दूध डाल देती हूँ, और अभी हम कांस्टेंट नहीं हिलाएगा तो चलेगा, बीच बीच में हम हिलाते रहेंगे और इसे अच्छी तरह से कुक होने देते हैं, एक बार हिला लेते हैं, कॉर्नर्स पर अगर मलाई आ रही है तो निकाल देंगे,
और अच्छा दूध जल जाए, अच्छा पक जाए पूरा कैरेट, अच्छा दूध सोख ले, जब तक हमें इसे ऐसे ही कुक करना है, ये बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए हलवे में, तब तक हम इसे कुक करेंगे। दूध अच्छा कम हो गया है, अभी और इसे हम ऐसे ही कुक करते रहेंगे, पूरा दूध अच्छा जल जाएगा जब तक हम कुक करेंगे इसे, बीच बीच में हिलाते हुए और कॉर्नर से मलाई निकालते हुए। दूध अच्छी तरह से सूख गया है, नीचे बिल्कुल नहीं छिपा है, आप इस चीज़ का ध्यान रखें कांस्टेंट या बीच बीच में हिलाते रहे ताकि नीचे चिपके नहीं हलवा। अब मैं इसमें डाल देती हूँ शुगर, दूध जलने के बाद ही हमें शुगर डालना है, मिल्क पाउडर, इलायची पाउडर और ड्राई फ्रूट्स। शुगर को मेल्ट होगी तब हलवा फिर से थोड़ा गीला हो जाएगा और थोड़ा कलर में भी डार्क होएगा। थोड़ा थिक हो जाए जब तक फिर से हम इसे कुक करेंगे। धीरे धीरे शुगर मेल्ट हो रही है और हलवा देखो गीला हो रहा है, फिर से घट हो जाए जब तक हम इसे कुक करेंगे। शुगर अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है, हलवा अच्छा थिक भी हो गया है, हलवा बनकर रेडी हो गया है। अब मैं गैस ऑफ कर लेती हूँ और इसे एक बाउल में सर्व कर लेती हूँ। बाउल में ले लेते हैं, आप चाहे तो इसे गर्म भी खाइए अच्छा लगेगा, या चिल्ड खाना चाहते हो तो फ्रिज में रख दीजिएगा फिर खाइए भी, ये हलवा बहुत ही अच्छा लगेगा। ये हमारा गाजर का हलवा बनकर रेडी हो गया है, मैंने कुछ ड्राई फ्रूट से गार्निश कर लिया है, कितना अच्छा लग रहा है ना, और बनाया भी कितने आसान से झटपट से बन गया है। तो आपको ये गाजर का हलवा कैसे लगा है ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।